रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालेगी एलजेपी। मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं ने की बैठक, जिला अध्यक्ष रंजन सिंह बोले, चिराग को हमारा पूरा समर्थन। मोतिहारी में नाव पलटने से डूबे चार बच्चे, दो की मौत, दो को गोताखोरों ने किया रेस्क्यू, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया लूटकांड का खुलासा, छापेमारी में तीन चोर गिरफ्तार, तीनों चोरों ने कबूला अपना जुर्म। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। जमशेदपुर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जगह तो मैदान में होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश विकास कुमार पांडे, जो राष्ट्रीय हैंडबॉल के लिए झारखंड टीम का हिस्सा चार बार रह चुके हैं, वे अब गैरेज में गाड़ियों की मरम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के ऊपर से पिता का साया चार साल पहले ही उठ गया था और इसके साथ ही मां की मानसिक स्थिति भी खराब हो गई, लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। मेरा पापा का हो गया है चार साल देहांत हुए, और मेरा मम्मी जो भी हल्का फुल्का बीमारी रहती है, तो इसीलिए जो कमाता सब पैसा पैसा दवाई में। हाँ, दवाई, खर्चा, खाना पीना, पढ़ाई, वही घर में काम करते तो पैसा आता है, खाना वाना बनता है। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं भी करने से भी खाना पीना चल जाता है, यहाँ से पैसा वैसा मिलता है टाइमली, तो उससे खाना वाना चल जाता है। मगर यही है कि कुछ बचा नहीं पाते हैं कि आगे के लिए, कि कल बीमार पड़ गए तो कुछ पैसा लगे तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए काम कर रहे। और क्या बोले, मन में यही चला कि आर्थिक स्थिति इसके घर का बहुत खराब था, पता चला कि एक नेशनल खेलने वाला लड़का है, इसका जगह होना चाहिए ग्राउंड में, और ये आकर के मतलब जो है गैरेज लाइन में काम कर रहा है। घर की स्थिति खराब होने की वजह से जब पता चला कि एक नेशनल खिलाड़ी है और गोल्ड मेडलिस्ट लड़का है, और इस हालात से कुछ उसको सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ मैं यही बोलूँगा कि इसका जगह कुछ अब आगे बढ़ाइए या ग्राउंड में लेके जाइए या उसके घर का मतलब मसला को दूर करिए। कोरोना की तीसरी स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका असर बच्चों पर खास रूप से देखने को मिल सकता है। इन कयासों के आधार पर सरकार और जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों को मुस्तैद करने में लगी हुई है। मधुबनी में तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने की इसी कड़ी में सदर अस्पताल में हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, और इसके साथ ही सदर अस्पताल के दो डॉक्टरों की टीम को प्रशिक्षण के लिए पटना स्थित एम्स भी भेज दिया गया है। साथ ही अस्पताल के पीक्यू वार्ड में भी तमाम तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। तैयारियों को देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे ये सेंटर लाइन लगाया गया है। पहले तो यहाँ सिलेंडर के थ्रू था, जो कभी दिक्कत होती थी, कभी खत्म हो गया कभी, तो ये सेंटर लाइन लेने में थोड़ा सा फायदा होगा। क्या क्या फायदा हो सकता है? तो ये होगा कि आप हर जगह अवेलेबल रहेगी ना, पहले सिर्फ यहीं पे अवेलेबल था ऑक्सीजन का, अब क्या है कि मेन वार्ड है, अगर हम एडमिट करते हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन का सप्लाई डायरेक्ट वहाँ पर रहेगा, पहले सिलेंडर को यहाँ से लेके जाना पड़ता था, अब डायरेक्ट सप्लाई वहाँ पर रहेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर जुड़ चुके। अमरदेव, अब से कुछ हफ्तों बाद कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, बताया जा रहा है कि बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं तीसरी लहर को देखते हुए? जी, बीते दूसरी लहर जो कोरोना का था, जिससे इतनी मौत हुई है जिले के अंदर में, जिसे देखते हुए तीसरे कोरोना लहर की जो संभावित जो संभावना बन रहा है, उससे पूर्व प्रशासन, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन दोनों मिलकर के पूर्व तैयारी करने में जुट गई है। इस चूंकि कोई भी व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के नहीं रहे, सदर मधुबनी सदर अस्पताल में सभी बेड के लिए अलग से ऑक्सीजन पाइप बिछाया गया है, जिससे सभी लोगों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए, ऑक्सीजन के लिए कहीं मारामारी न हो, इसके लिए पूर्व से ही तैयारी किया जा रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए सारे जगह पर पाइप बिछाया जा रहा है। जी,
अमरदेव, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, तो बच्चों के लिए पीक्यू वार्ड में किस तरह की तैयारियां की जा रही है? बच्चे वार्ड में भी भरपूर तैयारी की जा रही है। जो शुरू से जो देखने को मिला है, जो पूर्व की स्थिति की बात, इस बार की जो तीसरी लहर की जो बात कही जा रही है, उससे पूरे सतर्क है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के प्रशासन पूरे सतर्क है और उसी हिसाब से काम किया जा रहा है। जो आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो कोई बच्चे हो या बूढ़े जवान, किन्हीं को कोई चीज का दिक्कत नहीं हो। अब देखना है जो कि आने वाले तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग क्या करने जा रही है। अमरदेव, दूसरी लहर में देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हुई है, तो ऐसे में इस लहर से पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रहा है प्रशासन? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमें अपनी पिछली गलतियों से भी सबक लेने की जरूरत है। जी जी, पिछली गलती जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अंदर में जो देखा गया, उसे सुधारने के लिए ही सारे जगह पर ये ऑक्सीजन का पाइप लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इससे पूर्व भी मधुबनी जिले के अंदर में कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है, जयनगर से लेकर झंझारपुर तक लगाया गया है, सारे जगह पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है। खास करके मधुबनी सदर अस्पताल में इसको लेकर के भरपूर तैयारी की जा रही है। डीएम मधुबनी, डीएम स्वयं इसका निरीक्षण में लगे हुए हैं और सीएस, मधुबनी सीएस भी इसमें लगे हुए हैं। जी शुक्रिया अमरदेव ठाकुर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्वी चंपारण के केसटिया थाना क्षेत्र में एक स्थानीय युवक का शव मिलने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस शव का पोस्टमार्टम होने के बाद रविवार को मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने शव को सड़क पर रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस नारेबाजी के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। इस मामले में मृत युवक के परिजनों ने युवक को किडनैप कर उसकी हत्या करने की बात कही है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी बात कही है। वे मौके पर पहुंचे तो विधायक के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया। मेरे भाई का किडनैप हुआ और किडनैप करके हत्या कर दिया गया है, और इस हत्या के पीछे जो इंसान है वो मुझे मालूम है कि कौन इंसान है। वो इंसान लास्ट कॉल जो आता है उसके बारे में वो इंसान बताता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हुआ इसका, उस इंसान को मालूम है। और लाश जो साबित होती है उस वक्त उसकी माँ साबित करती है कि मतलब कि इधर ले जाती है बहाने से कि चलो मैं जांच करवाता हूँ कि कहाँ पे है, और उसके बाद वो बोलती है कि देखो वो क्या नदी में है, और देखा जाता है तो इसका लाश होता है, मेरी बहन रहती है उसके साथ में और लाश होता है। हम लोग इसका जो मोबाइल है लाश के अंदर मिला उसे हम एसआई कलीम साहब को सौंपे और वो जाँच के लिए हम दिए, ठीक है, जांच के लिए दिए और अभी तक उसका जांच नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए मुझे भेज दिया गया। तो स्थानीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वही इस प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतार लग गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से शव को सड़क पर रखकर ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इस मामले में मृत युवक के परिजनों ने युवक को किडनैप कर उसकी हत्या करने की बात कही है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की भी मांग कही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जन्मदिन को आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाएगी। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया, जहां पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष शामिल हुए। एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और साथ ही हाजीपुर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के साथ एलजेपी सदस्यों की मौजूदगी होने की भी बात कही है। आज का बैठक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोग समिति से निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख के स्वर्गीय
रामविलास जी का जन्मदिन है उस पर, और आशीर्वाद यात्रा जो निकल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसकी भी हमें तैयारी में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के मंत्री प्रखंड स्तरीय और प्रखंड अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के साथ हम बैठक किए हैं और उसमें यह निर्णय लिए हैं कि कल 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा हम लोग सहयोग के साथ जितना से जितना हमारा कार्यकर्ता हो ये पब्लिक हो उन लोग को लेकर हम हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला है डिलीवरी बॉय की पिटाई का। दरअसल एक ई कॉमर्स शॉपिंग साइट के स्थानीय डिलीवरी बॉय ने विधायक के सामने उनके गार्ड द्वारा पिटाई करने का गंभीर आरोप लगाया है। ये घटना पीड़ित ने उस वक्त की बताई है जब वो सामान डिलीवरी करने के लिए विधायक के आवास पर पहुंचा था। इस मामले में पीड़ित ने बरारी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि इस मामले में जेडीयू विधायक कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में बने मंच से संबोधित करते हुए नड्डा ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और नेताओं को सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण बूथ का निरीक्षण सुनिश्चित करने का टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि बूथों पर जाकर जन जागरूकता बढ़ाए और लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए भी जागरूक करे। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर नड्डा के संदेश से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान किए वादे को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की आज सेमी वर्चुअल प्रदेश कार्य समिति हुई है। सेमी वर्चुअल इस सेंस में कि पहली बार है कि प्रदेश कार्य समिति के जितने भी सदस्य थे वह अपने अपने जिला मुख्यालय में बैठे थे, एक ही स्थान पर बैठे थे जिनसे उनसे लगातार संपर्क हो सके। और इस बैठक को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने दिल्ली प्रधान कार्यालय से संबोधित किया। 6 मार्च के बाद यह दूसरी बैठक थी चुनाव के बाद, और कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सेवाएं संगठन के माध्यम से कार्य किया उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार के प्रदेश की इकाई को धन्यवाद भी दिया और प्रदेश को कुछ कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए। फिर एक्शन मोड में बिहार में बीजेपी, चले बढ़ते हैं आगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में बीते दिन दौरे पर गए तेजस्वी यादव ने एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया। इस बयान के बाद एनडीए पक्ष में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। उनके बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनना और गिरना चुनाव के समय होता है। वही तेजस्वी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी बिना मौसम आम गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को किए गए तेजस्वी यादव के ऑफर पर उन्होंने दोनों का कॉमन बैकग्राउंड होने की बात कही है। अब उम्मीद लगाए हैं कि सरकार गिर जाएगी, उम्मीद कर नीचे आप उम्मीद लगाए रही। अब आप समझिए अब तो आम का सीजन है ना, आम तो खत्म हो जाएगा आपका 1 महीने में। अगर आप कार्तिक के महीने में कि नहीं नहीं जो आम है जरूर गिरेगा, अरे दाम तो पहले गिर गया, सीजन होता है ना। तो ये जो लोकतंत्र में बहुमत का सीजन चुनाव के पहले, अब चुनाव तो समाप्त हो चुका है। अब चुनाव 2024 में लोकसभा का आएगा, चुनाव विधानसभा का 2025 में, उसकी तैयारी करनी चाहिए।
उसके लिए उनको एक ऑल्टरनेटिव एजेंडा लेकर जनता के बीच नीतीश बाबू ने ये काम किया है, एनडीए ने ये काम किया है, हमको मौका दीजिएगा हम ये करेंगे। ये सब काहे के लिए बोलते हैं? वो तो बोलते हैं कि उनके विधायक लोग हैं कि लोग जरा शांति से रहें, उनको लगे कि नहीं अभी चांस है, उम्मीद बरकरार है और उम्मीद पर दुनिया है, लेकिन ना उम्मीद ही रहना। पटना शहर में जल जमाव की समस्या के निवारण को लेकर नगर विकास विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर के राजेंद्र नगर और कंकड़बाग समेत कई इलाकों में हुए जल जमाव से मुक्त करवाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इसी बीच राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सरकारी आवासों में जल जमाव का कारण इको पार्क के पास पंप हाउस के तकनीकी खराबी को बताया है। वहीं पटना के निचले इलाकों में हुए जल जमाव को लेकर मंत्री ने विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। पटना नहीं डूबी है, जो निचले इलाके में कुछ जगह था पानी निकलने का, और हम लोगों ने शुरू से कहा है कि पटना में जब अगर हेवी रेनफॉल होता है तो 6 से 8 घंटे लगते हैं पानी को। पटना का जो अपना बना हुआ है कंट्रोल नंबर, तो कई जगह इलाकों में हम लोग को ड्रेन आउट करना पड़ता है। कुछ जगह जहाँ कमियाँ नहीं है, चाहे वो विधानसभा परिसर के अंदर का जो जल जमाव का है, जो कमियाँ नहीं, उस पर भी विभाग ने और नगर विकास मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उस पर जो भी लोगों ने कमियाँ की हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाकी आप इलाकों को देखिए, आज राजेंद्र नगर का में लोहानीपुर का इलाका आप जाइए, हम लोग भी वहाँ रहते हैं, जो पिछले समय में पानी में ड्रेन आउट था सब पानी निकल, कंकड़बाग का जो चांदमारी रोड का पानी था सब लोग निकला हुआ है। जहाँ जो पॉकेट में नीचे इलाके में है वहाँ पानी है, और एक जगह कमियाँ नजर आई हैं जो इस विषय पर सभी लोगों ने संज्ञान लिया है कि इको पार्क के पास सम्प का कुछ खराबी आई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आया है, उसको भी दूर किया जाए। लेकिन ये है कि 6 से 8 घंटे में जो नगर निगम प्रशासन और बुटकों ने कहा था उसमें 90% इलाकों में सफलता मिली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों को संरक्षित करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से प्रोजेक्ट शिशु के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना महामारी के दौरान राज्य के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है, उन बच्चों का पुनर्वास करना निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और हृदय को छूने वाला कार्य है। और आज राज्य सरकार और झालसा के माध्यम से आज बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनको सहारा देने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए एक मुहिम के रूप में आज हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये मेरे लिए काफ़ी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज उनको, उनके लिए मुझे कुछ काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है, आप लोगों के सहयोग से उन तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विषय में मेरा कई, एक नहीं अनेकों घटनाएं जो हमारे साथ घटी है, मैंने उसको महसूस किया है, उसका समाधान भी किया और बहुत करीबी से इस तकलीफ को मैंने देखा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सरियागंज के पास एक ज्वेलरी दुकानदार से हुए लूट के मामले का खुलासा किया है। घटना वाले दिन स्थानीय लोगों ने उस मामले में एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस ने टीम का गठन किया और छापेमारी की। इस छापेमारी में 3 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे हुए आभूषण और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी ने इस मामले में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार हुआ एक युवक नगर निगम कर्मचारी है। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र में
एक ज्वेलर के साथ में लूटपाट की जो घटना हुई और घटना के पश्चात में लगभग 4 किलो के आसपास ज्वेलरी उसको लूट करके अपराधियों द्वारा ले जाए भागने में सफल रहे। इस मामले में सिटी SP मुजफ्फरपुर, DSP टाउन, SHO टाउन मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और अन्य जितना भी लूट का सामान था पूरी तौर पर बरामद कर लिया गया है। और इन अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता इस मामले में स्वीकार की है और इस प्रकार पुलिस को घटना के ठीक कुछ ही घंटे के अंदर में रिकवरी के साथ में बड़ी सफलता मिली। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में बीते दिन हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए निकला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मिली सूचना पर एक्शन लेते हुए आरोपी नीरज कुमार को अवैध हथियार के साथ पकड़ा। युवक के पास से एक हथियार और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम औरंगा में एक युवक हथियार गोली लेकर के घूम रहा है। इस सूचना पे तारापुर थाना की पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और नीरज कुमार नाम के युवक को ग्राम औरंगा काली स्थान के पास से देसी कट्टा एवं 315 की एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध कांड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में आए दिन अपराधी किसी न किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला जिले के आरा मोहिनिया नेशनल हाईवे के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने बाजार गए युवक को अपना निशाना बनाया। अपराधियों ने युवक के पैर में गोली मार दी। हालांकि इस घटना के पीछे का कारण पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। वही घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आराम से वहां से चलते बने। फिलहाल युवक को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बिहार के खटियार में अनियंत्रित भीड़ और दंगाइयों से निपटने के लिए BMP 7 की 10 बटालियन में से 2 बटालियन को ट्रेंड कर दिया गया है। उन्हें उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए दंगारोधी दस्ता अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लोगों की सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। जवानों को खटियार स्थित BMP 7 के ग्राउंड में ट्रेनिंग दी गई और इसके अलावा मॉक ड्रिल भी कराई गई है। गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या के क्रम में दंगाइयों से कैसे निपटना है उसके लिए इस बल को प्रशिक्षित किया गया है। उसी क्रम में रेफ्रेशर कोर्स हो रहा था जिसके आज अंतिम दिन था। मतलब हर तरह की ट्रेनिंग है कि किस परिस्थिति में कहां पर जैसे छोटा भीड़ का मजमा है उसमें कैसे निपटना है, ज़्यादा भीड़ है तब कैसे निपटना है, चौक चौराहे पर कैसे निपटना है, NH पे कैसे निपटना है या चारों तरफ से घिर गई अगर तब कैसे निपटना है, फिर अगर भीड़ काफ़ी उग्र है तो पहले उनको काफ़ी समझाना है, कम से कम बल प्रयोग करना, पहले लाठी चार्ज करना है फिर आंसू गैस का प्रयोग करना, लेकिन जब अंतिम चरण में जब भीड़ किसी भी परिस्थिति में नहीं मानती है तब अंतिम बल तौर पर फायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो के केसेस को बढ़ता देख भागलपुर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसे देखते हुए सदर अस्पताल में पल्स पोलियो टीकाकरण को लेकर 5 दिन व्यापक पैमाने पर इसकी शुरुआत हो गई है। सदर अस्पताल भागलपुर में CS उमेश शर्मा द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नवजात बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर किया गया। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा डोर टू डोर बच्चों को खुराक पिलाकर इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। चल रहा है जनवरी बाद से हम लोग 6 महीने तकरीबन 6 महीने बाद ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ा देख रहे हैं हम लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ कुछ केसेस आ रहे हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी हमारे ज़िले में 1300 टीम हाउस टू हाउस और 300 ट्रांजिट टीम लगी हुई है और इस दौरान हम लोग
कोविड के नियमों का पालन करते हुए आपका फल पोलियो का अभियान चला रहे हैं और इसमें कोविड से भी जो संबंधित ये है प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा कोविड का केस पाया जाता है उसको भी हम लोग ले आके यहाँ DHC से DDHC में भर्ती करेंगे। दोनों काम सर्वे भी हो रहा है और ये काम एक साथ। झारखंड के कई सुदूरवर्ती इलाकों में वैक्सीन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया जिसका अब पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। गिरिडीह के बलथरवा गांव में लगाए गए कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी ज्यादा परेशानी हुई, पर स्थानीय प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सकारात्मक प्रयास से लोगों को घर घर जाकर उन्हें समझा बुझा कर एक एक कर टीकाकरण केंद्र लाया गया और उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ली। बलथरा में जो टीकाकरण का कैंप लगा है तो सुई लगवाने से पहले तो लोगों को बहुत सा डर था कि आदमी को बुखार लगता है और कुछ अफवाह फैला देते थे। आज कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से और मेहनत की वजह से आज वही परिणाम है कि जो आज 80 के प्लस टीकाकरण हो चुका है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP News। नमस्कार।